हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के बारे में। अगर आप दूसरे एनिमे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि अकात्सुकी एंटरटेनमेंट इंडिया में एनिमे को लाने की तैयारी में है। वैसे मैं इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि ऑलरेडी काफी क्रिएटर्स इस पे वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए मैं मेनली इस बारे में बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इंडिया में एनिमे का फ्यूचर सुधार पाएगी या फिर ये भी एनिमेक्स की तरह फेल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं काफी जरूरी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं बीस्ट फैंटेसी। तो और वक्त जाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अकात्सुकी, इस वर्ड से तो मुझे एक ही चीज की याद आती है। खैर छोड़ो, अकात्सुकी एक जैपनीज बेस्ड गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है जिन्होंने ड्रैगन बॉल सी, डोकन बैटल जैसे पॉपुलर गेम को को-डेवलप किया है और अब वो इंडिया में एनिमे को लाने की तैयारी में है। सबसे जरूरी बात बता दो कि वो इसे फिलहाल टीवी पे नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार वगैरह पे लाने वाले हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो इसे मोस्ट स्पीकिंग इंडियन लैंग्वेजेस में डब करने वाले हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु। और सुनने में आया है कि उन्होंने 5 या 6 एनिमेस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन गाइस, अब सवाल ये उठता है कि क्या अकात्सुकी एंटरटेनमेंट इंडिया में एनिमे का फ्यूचर सुधार पाएगी? तो गाइस, अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के हेड यानी कि मिस्टर युकी कावामुरा ने कहा है कि असल में वो अभी किड्स शोज को इंडिया में लाने वाले हैं। किड्स शोज से उनका मतलब शिनचैन और डोरेमोन जैसे शोज से है। अब ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया में किड्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में डोरेमोन और शिनचैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो ऐसे ही टाइप के शोज फिलहाल लाने वाले है। लेकिन आई थिंक ऐसे शोज से बच्चे ही देखेंगे क्योंकि हम तो नरूटो, ड्रैगन बॉल सुपर, डेथ नोट जैसे एनिमेस देखना चाहते हैं। पर अगर फिलहाल इस बात को साइड में भी रखते तो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो ज्यादातर एनिमे फैंस है वो 13-17 और 18-24 एज ग्रुप के हैं। तो जो 18-24 एज ग्रुप के हैं उनका तो फिर भी ठीक है, वो तो जैसे तैसे इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले ही लेंगे। पर जो 13-17 एज ग्रुप के हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स है और जहाँ तक मैं जानता हूँ इनमें से 90% लोग सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के लिए। पर ओटीटी प्लेटफॉर्म एक काफी अच्छी जगह होगी अटैक ऑन टाइटन और टोक्यो घोल जैसे एनिमेस को ऑडियंस तक लाने के लिए, क्योंकि फिर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर रोने नहीं आएगा कि नहीं यार नहीं, ये एडल्ट सीन, ये खून खराबा हम बच्चों को नहीं दिखा सकते वगैरह वगैरह, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर सेंसर होता ही नहीं है, तो इन शोज को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिस्टर युकी कावामुरा ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो कुछ इंडियन राइटर्स के साथ मिलकर ओरिजिनल सीरीज भी लेकर आएंगे। चलो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब इंडिया का असली टैलेंट सामने आएगा जो कि इतने सालों से बेकार के घटिया एनिमेशन कंपनीज ने दबा के रखा हुआ था। वैसे एक और बात है जो कि काफी लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि आखिर अकात्सुकी एंटरटेनमेंट इंडिया पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो गाइस, इसकी वजह यह है कि ये इंडिया को काफी टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं और वो जानते हैं इंडिया में एनिमेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि पिछले साल आई एक हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द लॉयन किंग ने इंडिया में 155 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया। और ऐसे ही चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अकात्सुकी एंटरटेनमेंट इस कंक्लूजन पर आई कि इंडिया में एनिमेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम, तो इसीलिए उन्होंने इंडिया पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा। वैसे मैं आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है ज्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन से देखने वाले शो को किसी भी पायरेटेड साइट से डाउनलोड करके देख लेते हैं, जो कि यार बहुत ही गलत है। और अगर अकात्सुकी एंटरटेनमेंट के साथ भी आपने ऐसा ही किया तो यार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये कंपनी भी इंडिया में नहीं टिक पाएगी क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो लॉन्ग टर्म तक लॉस बेयर करेगी, क्योंकि यहाँ कोई सोशल सर्विस करने नहीं आया है। वैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स है, उनका तो फिर भी समझ आता है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी वो पायरेटेड साइट से डाउनलोड करके देखते हैं। तो यार ऐसा मत करो, इससे आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं जानता हूँ सब्सक्रिप्शन थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे अफोर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स का मंथली अकाउंट 800 रुपीज का आता है, तो आप 4 दोस्त मिलके 200-200 रुपए कंट्रीब्यूट करके सब्सक्रिप्शन आराम से अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं खुद भी यही करता हूँ, क्योंकि अगर पायरेटेड साइट से डाउनलोड करके देखोगे और फिर बाद में कहोगे कि हम अकात्सुकी एंटरटेनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार फिर मैं क्या ही कहूँ आपको। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मूवीज को भी तो लोग पायरेटेड साइट से डाउनलोड करके देखते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार देखो, एक मूवी ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी कमाई कर लेती है और फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आकर
ज्यादातर भी और कमाई करती है, ऊपर से उनकी टारगेट ऑडियंस भी ज्यादा होती है। बट एनिमे के केस में ऐसा नहीं है। वैसे इंडिया में काफी कम एनिमे फैंस है, और अगर वो भी इधर उधर से जुगाड़ लगा कि ये शोज देखेंगे, फिर तो आप खुद ही सोच लो इंडिया में एनिमे के फ्यूचर के बारे में। वैसे 2 हफ्ते पहले मुझे अपने यूट्यूब रिकमेंडेशन में एक वीडियो मिली, जिसे देखकर ही मुझे पता चला कि अकाट्सुकी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी इंडिया में एनिमे लाने वाली है। मैं बड़ा खुश हो गया, बट जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो आई थिंक वहाँ पर एक सेकंड या थर्ड कमेंट था, जिसे पढ़कर मैं लिटरली शॉक हो गया। और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना, इंडिया में एनिमे टिक ही नहीं सकता। उस बंदे ने लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया में एनिमे हिंदी में भी क्यों ना आ जाए, मैं तो जैपनीज विद सबटाइटल्स ही देखूंगा। तो यार बहुत अच्छी बात है कि आपको जैपनीज विद सबटाइटल्स देखना ज्यादा पसंद है। पर्सनली मैं भी खुद यही प्रेफर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यार कि आप डब वर्जन को सपोर्ट ही ना करो। वैसे भी यार अब हमारी डबिंग इंडस्ट्री पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। मैं जानता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उसकी फील ही अलग है, लेकिन यार अपने लैंग्वेज में भी देखने का मजा ही अलग होता है। अब यार आप सिर्फ और सिर्फ जापानीज में ही देखना चाहते हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। बट कहीं भी जाके ऐसे कमेंट्स मत लिखा करो, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और फिर आपकी तरह वो भी डब वर्जन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो लोग भी उसी बंदे की तरह सोच रखते हैं, मैं बस उनसे एक ही बात कहूंगा कि अगर कल को फिर से एनिमे इंडिया में फेल हो जाए तो ये मत कहना कि इंडिया में एनिमे चलता क्यों नहीं है। तो आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि उम्मीद की किरण नजर आई है, तो जितना हो सके इस बार एनिमे को सपोर्ट करो, अकाट्सुकी एंटरटेनमेंट को अपना सपोर्ट दिखाओ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।